हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में। क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो। और उन्हें जो कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनकी फैंस की वजह से, जो आजकल ट्रेंड काफ़ी चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको इंसिडेंट भी शेयर करूँगा इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है, उनकी जो फैन बेस है वो किसी फेमस एक्टर्स और किसी फेमस पर्सनालिटी से भी ज़्यादा है। एक यूट्यूबर के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स होते हैं और ये ऑन द डेली बेसिस बढ़ते जा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आखिर ऐसा क्या हो रहा है? सब्सक्राइब कर रहे हैं इन क्रिएटर्स को और लोग बॉलीवुड मूवीज हैं उनको बॉयकट करने लग गए हैं। सबसे पहली बात तो जो एंगेजमेंट रेट रहता है यूट्यूब का वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर जो आप किसी क्रिएटर को देखें वो डेली ब्लॉगिंग कर रहा है तो एक व्यूअर उसे कनेक्ट कर पाता है डेली। वो जानना चाहता है कि जो उनका फेमस यूट्यूबर क्रिएटर है वो आज क्या कर रहे हैं। भाई मज़ा आया। दूसरी बात, मैक्सिमम जो क्रिएटर्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं अपना डेली रूटीन, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स भी मिडिल क्लास से ही हैं और वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को और वो सोचते हैं कि यस ही इज़ द वन फ्रॉम आवर फैमिली, और कनेक्शन जो इंगेजमेंट रेट है वो काफ़ी हाई रहता है। बट कभी कभी ये जो फैन फॉलोइंग है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी इन क्रिएटर्स को इन फैन फॉलोइंग से काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो कि रिसेंटली काफ़ी सारे इवेंट्स में हमने देखा भी है। तो रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट जो काफ़ी फेमस डेली व्लॉगर हैं, उनकी वाइफ ने एक उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नोएडा मेट्रो स्टेशन पर कुछ कोच बुक किए थे और वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि अल्टीमेटली फ्लाइंग बीस्ट को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वहाँ पर 144 धारा लगी हुई थी और उसके उल्लंघन में उन्हें वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, इतने फैंस आ गए थे वहाँ पर जिनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। रिसेंटली ही सौरभ जोशी ने भी अपने एक व्लॉग में बताया कि वो अपनी थार, जो उनकी गाड़ी है थार, वो बेचना चाहते हैं क्योंकि लोग पहचानने लग गए हैं कि ये सौरभ जोशी की गाड़ी है और लोग पीछा करने लगते हैं जैसे ही वो अपनी गाड़ी में निकलते हैं, तो कई बार एक्सीडेंट होते होते भी बचा है। तो इस डर से कि कभी इस चीज़ से किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी फॉलोवर्स को चोट ना लग जाए, वो चाहते हैं कि मेरी गाड़ी ही बिक जाए, मैं ये गाड़ी ही सेल कर दूं। गाइस मुझे ना आपको एक बात बताएं, काफी टाइम से मैं सोच रहा था तो फाइनली आज बता देता हूं यहां पे हूं, तो दिल पे पत्थर रख के कि मैं अपनी थार को बेच रहा हूं। इसका रीजन ये है, जैसे मैं इसको लेके निकलता हूं ना तो इसके पीछे बाइक वाले, स्कूटी वाले, लेकिन मतलब इसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको ओवरटेक करते, फॉलो करते हैं। दो तीन बार तो काफी ठुक भी गए हैं, भगवान की दुआ से कभी किसी कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर कभी किसी कुछ हो जाए तो मेरे पर बात है कि मैं मेरी थार थी, मतलब मेरा नाम आया ना कि सोलह की थार थी। रिसेंटली UK07 जो कि सिलीगुड़ी गए हुए थे, वहां पर उनका क्रेज इतना था, उन्हें रोड पे इतने बुरी तरीके से घेर लिया था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अल्टीमेटली पुलिस ने आके उनको वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया और स्टेशन लेके गए, पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर उन्हें पानी वगैरह पिलाया, तब जाके उनकी कहीं जान में जान आई। तो दोस्तों मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो फैन फॉलोइंग है इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब क्रिएटर्स के ऊपर आ जाती है जब इतनी सारी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। क्रिएटर्स को भी इस बारे में काफ़ी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद आप इतना ईजिली बाहर नहीं घूम सकते, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपसे मिलेंगे और हो सकता है ये तादाद एकदम से भी बढ़ जाए। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।